हमने पैरासाइट डिस्कस कर लिया था, सेप्रोफाइटिज्म और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करना था, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफ्स जो थे हम वो डिस्कस कर रहे थे। पैरासाइट हमने डिस्कस कर लिया था, मोहम्मद जल्दी से रीकैप दे तो फिर हम आगे चलते हैं। पैरासाइट मोहम्मद रीकैप दे जल्दी से। कौन से थे पैरासाइट? पैरासाइट क्या थे जल्दी बताएं। पैरासाइट क्या थे? यहाँ से गर्ल से कोई बता रहा है? दो ऑर्गेनिजम्स थे, पैरासाइटिक रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स की है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक होस्ट है एक पैरासाइट है। पैरासाइट होस्ट बॉडी पे रहेंगे और होस्ट बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम अभी सिर्फ यही जिक्र कर रहे हैं कि वो पैरासाइट जो है होस्ट बॉडी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली पैरासाइट सिर्फ न्यूट्रिएंट ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पैरासाइट से हर तरह का एडवांटेज लेते हैं, कभी शेल्टर का, कभी न्यूट्रिएंट्स का, कभी प्रोटेक्शन का, एनी काइंड ऑफ जो एडवांटेज है वो पैरासाइट जो है होस्ट बॉडी से लेते हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है पैरासाइट बॉडी की या पैरासाइट्स की, दैट दे एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप दे गिव हार्म टू द होस्ट बॉडी, किसी भी फॉर्म में हार्म देंगे। अगर उनका फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सबसे बड़ा हार्म ये है कि वो जितना भी होस्ट ने फूड प्रिपेयर किया है या एब्जॉर्ब किया है या डाइजेस्ट किया है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, सही है। तो इन डिफरेंट वेज वो हार्म करते हैं होस्ट बॉडी को, दिस इज अबाउट अ पैरासाइट। फिर हम जो सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे वो थी सेप्रोफाइटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म या सेप्रोफाइट्स, या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सेप्रोफाइटिज्म होता है सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये इनका एक और नाम होता है और वो है डीकम्पोजर्स, ठीक है। इनको डीकम्पोजर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेंट फॉर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन बेसिकली जब ये ऑर्गेनिज्म जो भी सेप्रोफाइट्स हैं वो हैं, कौन से सेप्रोफाइट्स होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया जो है वो एज अ पैरासाइट होता है। बैक्टीरिया की भी तो बहुत ज्यादा टाइप्स है ना, हर बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक नहीं है, बीमारी करने वाला नहीं है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एडवांटेजियस भी होते हैं, सही है। अच्छा, अब ये डीकम्पोजर्स जो होते हैं यानी जो सेप्रोफाइट्स हैं, ये रहते सॉइल के अंदर है मिट्टी में, और इनकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में आ सकती हैं ह्यूमन बॉडीज भी आती हैं, ठीक है, मेन्योर आता है, बाकी डेड लीव्स आते हैं, डेड प्लांट्स आते हैं, हर चीज को सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है जहां पे मौजूद होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं यानी लिक्विड विच कंटेन अ केमिकल, ठीक है। और वो सिक्रीशन बेसिकली क्या कर रहा होता है? इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये डायरेक्ट नहीं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, बल्कि ये एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूस अ सिक्रीशन, produce a secretion, और ये secretion basically dead organic matter को decompose कर देती है। जब वो decompose हो जाते हैं यानी बिल्कुल simplest form में हो जाते हैं तो finally उनको उनके simplest form को ये absorb कर देती है। In this way they get food from the dead organic matter। ये किसकी characteristic थी? Bacteria and fungi की, which are saprophytes और they are also known as decomposers। अब डीकम्पोजर्स भी एनवायरमेंट के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, क्योंकि अगर डीकम्पोजर नहीं होते तो क्या होता कि जितना भी लैंड है वो डेड बॉडीज से फिल्ड हो जाता है। यानी कि ये जब लैंड बना या यहाँ पे जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए उस वक्त से लेके अब तक, अगर क्लीनिंग पर्पज के लिए भी कि जो भी डेड प्लांट, डेड बॉडीज या वो ऑर्गेनिक मैटर
जो डीकम्पोज हो सकता है, अगर वो डीकम्पोज नहीं होता तो ये लैंडफिल्ड हो जाती सारी गार्बेज से, सारे बॉडीज, डेड बॉडीज से, और कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेस नहीं बचती. सही है. तो दिस इज अबाउट अ सेप्रोफाइटिज्म और सेप्रोफाइट. लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो हेटरोट्रॉफिक का ही है, वो कहलाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको याद हो. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था जब हमने थोड़ा सा फ्रॉग पढ़ना शुरू किया था. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर फाइव स्टेजेस होती हैं. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फाइव स्टेजेस हैं ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने की या फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की फाइव स्टेजेस है. ठीक है, और वो पूरी फाइव स्टेजेस जो है वो ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है, फ्रॉम द ईटिंग ऑफ फूड, जिसे वो कहते हैं इंजेस्टिंग या इंजेशन. ठीक है, इंजेशन. फिर आता है डाइजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन. फिर आता है एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, ये वो फाइव स्टेजेस हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिन ऑर्गेनिज्म में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये फाइव स्टेजेस फॉलो करती हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ईटिंग या इंजेशन. इंजेशन एक्चुअली क्या चीज होती है, इंजेशन का मतलब होता है ईटिंग ऑफ फूड, फूड को खाना. तो हमेशा वो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग इनटेक करते हैं. अब तक जितने ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं हमने, इनमें कहीं भी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी ईटिंग ऑफ फूड. ठीक है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. फिर ईटिंग के बाद जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल फॉर्म में, क्योंकि विदाउट ऑफ विच सिंपल सॉल्युबल फूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड और इनटू द सेल्स. ठीक है, सॉल्युबल एंड सिंपल फूड सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल में एब्जॉर्ब होता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि फिर सिंपल होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, और सेल में जाने के बाद सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना, और सिंपल में होने के बाद दोबारा उनका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाना इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. याद है ना हमने पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल, एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस ऑफ द स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल टू द लार्जर मॉलिक्यूल. ठीक है, सिंथेसिस जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल की फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होती है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, यानी सिंथेसिस का प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस. ठीक है, तो ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जो एसिमिलेशन के स्टेप में होती हैं, एंड फाइनली जब अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, द फूड विच इज नॉट फर्दर गोइंग टू एब्जॉर्ब, जिसका अब कोई काम नहीं है, वो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, दैट फूड इज गोइंग टू इजेक्ट आउट, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. आपने क्या कहा, गलत, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. इससे वेस्ट प्रोडक्ट का वर्ड हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि आगे हमें बताना है कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एक्सक्रीशन. ये इजेशन है, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, ये बात याद रखना. मैं हर दफा जब इस पॉइंट पे पहुंचती हूँ मैं ये बात बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं और हर चीज को एक्सक्रीशन समझ रहे होते हैं. दिस इज डाइजेशन और वो एक्सक्रीशन टॉक्सिक वेस्ट की रिमूवल होती है. यहां तक सबको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है नहीं? ठीक है. अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लोग हेटरोट्रॉप्स में देख रहे हैं. ऑटोट्रॉप्स में क्या है, ऑटोट्रॉप्स में हमने बताया था कि कुछ ऑटोट्रॉप्स ऐसे हैं, स्पेशली कुछ पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया लाइक सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है दैट दे ब्रेक डाउन द केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड यूज इट एज देयर न्यूट्रिएंट. ठीक है, वो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. उनमें भी यही है कि वो अपना फूड या अपने न्यूट्रिएंट्स, व्हाटएवर न्यूट्रिएंट्स जो भी उन्हें चाहिए, वो
वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सही है, ये बात हो गई. अब प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स की दूसरी टाइप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं. पिगमेंट दोनों में है, फूड दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं. कीमोसिंथेटिक में डिफरेंट पिगमेंट्स हैं अदर देन द क्लोरोफिल, और उनका काम जो है वो भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाना है. जो फोटोसिंथेटिक है वो कहलाते हैं, यानी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफ की एक टाइप है फोटोसिंथेटिक, यानी उनके अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन. इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट है. पिगमेंट यूज करते हुए दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसमें भी दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं. हमें पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है. सही है, तो क्लोरोप्लास्ट प्रॉपर प्लास्टिड वाला नहीं होगा, बल्कि इन द इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा ग्रीन कलर का. ठीक है, और वो पिगमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, जिससे वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी करेंगे. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी सेम वही चीज है. अगर वो यूकैरियोटिक हैं तो उनमें प्रॉपर प्लास्टिड होगा और वो फिर फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रिपेयर करेंगे फॉर देयर प्लांट बॉडी. अच्छा, इसमें रॉ मटेरियल्स चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो या वो फोटोसिंथेटिक हो, रॉ मटेरियल हमेशा जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो यूज होते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन की फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट होता है बट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर इज अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, यानी इसके एंड में फोटोसिंथेसिस के एंड में जो बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो वाटर की वजह से होती है. सही है, और बाकी की चीजें जो कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स होके ग्लूकोज फॉर्म करती है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोड्यूस हुआ है. दिस इज द फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट्स, ये वो फूड है जो प्लांट्स में प्रिपेयर होता है by the process of photosynthesis, means in the presence of light and the pigment. Raw materials, carbon dioxide and water, glucose and oxygen is produced. This process is known as photosynthesis. वैसे आगे हमें डिटेल फोटोसिंथेसिस की पढ़नी है, और बायो एनर्जेटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल पढ़नी है कि एनर्जी कितनी यूज हो रही है, कौन से स्टेप पे, वो तो हमें पढ़ना ही है. बट राइट नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि This is it के किस तरीके से फूड प्रिपेयर होता है इन प्लांट्स. सही है, ये हो गई आपके हाइड्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स की बात. अच्छा, फोटोसिंथेसिस की वैसे और डिटेल भी है जो हम फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ेंगे, कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होती है प्लांट में, वाटर कहाँ से एंटर होता है, एंड हाउ दे प्रिपेयर फूड, बट लेटर ऑन. ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस के ही टॉपिक में इसको डिटेल में लेंगे, फिलहाल नहीं ले रहे. अच्छा, फिर हम हेटरोट्रॉफ में आगे डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, कि हमने अभी तक ये पढ़ा, ये सारी टाइप्स पढ़ ली, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल होलोजोइक में तो हम देर में जाएंगे, होलोजोइक की बात भी बात करेंगे. हेटरोट्रॉफ में कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हमें दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है, अमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है, हमें अमीबा और पैरामीशियम डिस्कस करना है. जो लोग वर्चुअल में हैं सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है और समझ में आ रहा है अब तक जितना बताया है, जारा, सुमेरा, ओके, सही है. ठीक है, अब हमने पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम दो एग्जाम्पल्स स्टडी करने वाले हैं, अमीबा और पैरामीशियम.
अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे अमीबा अपना फूड प्रिपेयर करता है। अच्छा, लेकिन अमीबा बताने से पहले मुझे फिर एक रीकैप दें, जल्दी से मुझे बताएं कि आपको कितना याद है फेगोसाइटोसिस, क्या होता था फेगोसाइटोसिस जी? वेरी गुड वेरी गुड। वेसिकल की फॉर्म में या वैक्यूल की फॉर्म में वो लार्ज पार्टिकल जो थे वो सेल के अंदर इंगल्फ हो जाते थे, सेल में एंटर हो जाते थे, ठीक है, विदाउट क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, एंडोसाइटोसिस, रिमेम्बर। अच्छा, बैक्टीरिया अमीबा में भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऐसे ही है। एक तो अमीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जस्ट वन सेल इज प्रेजेंट और वही सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। यानी अब जब वन सेल्ड है तो ऑब्वियसली वन सेल मीन्स no other cell is present, no tissues are present, if the tissues are not present कोई organ भी नहीं होगा और organ system भी नहीं होगा, है ना भाई? जब multicellular organisms होते हैं तभी group of cells होते हैं और group of cells जो है वो tissue form करते हैं और tissue जो है वो organs बनाते हैं। अब इनमें तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना इनमें organs बनेंगे और ना organ system होगा जो proper digestion करे या proper mode of nutrition। फिर क्या होता है, फिर जो भी स्ट्रक्चर अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल ही है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और इनसाइड द साइटोप्लाज्म यहाँ पे न्यूक्लियस भी है जस्ट लाइक अदर सेल, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन तो एक ही है बट जो बहुत अंदर वाला मटीरियल है वो डार्क कलर का होता है। यानी साइटोप्लाज्म के भी दो शेड्स हैं यहाँ पे अमीबा में, एक जो मैं जो ये बाउंड्री सी बना रही हूँ, दिस इज नॉट बेसिकली अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन, ये एक बाकायदा मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि ऐसा है कि जो ये यहाँ वाला साइटोप्लाज्म है जो अंदर की साइड पे है ये डार्क और डेंस है, ठीक है, जबकि बाहर वाला जो है वो लाइट है थोड़ा सा और इतना डेंस नहीं है, लाइट है जैसे ट्रांसपेरेंट। तो ये जो अंदर वाला होता है ये कहलाता है एंडोप्लाज्म, दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्म, और जो ये बाहर की साइड है ये कहलाता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है, बाकी इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, इंगल्फिंग ऑफ फूड, बैक्टीरिया फूड कैसे लेके जा रहा है। जब बैक्टीरिया के कोई भी फूड पार्टिकल, लार्ज फूड पार्टिकल क्लोजर आता है, करीब आता है, तो उसके सीडोपोडियाज, अच्छा ये सीडोपोडिया मैंने जो नाम दिया ये क्या चीज है, देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो इतना इररेगुलर है, कोई फिक्स शेप नहीं है, जहां पे साइटोप्लाज्म ज्यादा पहुंचा हुआ है या जिस शेप में पहुंचा हुआ है उसी शेप का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है, उंगली जैसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है और उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। अब जब कोई भी लार्ज फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है जो लार्ज फूड पार्टिकल है और जैसे ही वो करीब आता है अमीबा की बॉडी से तो सीडोपोडिया जो है वो और ज्यादा उसके तरफ शार्प होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, डीप होने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि इंगल्फ करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ने लगते हैं। सीडोपोडिया इतने डीप होने लगते हैं कि जैसे हमने फेगोसाइटोसिस में पढ़ा था कि इस तरह से वो उसको अंदर लेके चले जाते हैं। देखो एक सीडोपोडिया ये है और एक सीडोपोडिया ये है, ये लार्ज पार्टिकल को वो इस तरह से इंगल्फ करके अपने अंदर उन्होंने खींच लिया और वो फूड पार्टिकल फाइनली एक वैक्यूल बनाता हुआ, क्योंकि वो बाहर का मटीरियल है, सेल मेम्ब्रेन ने एक मेम्ब्रेन बना दी है and the large particle will enter inside the organism. अब ये एक vacuole की form में enter हुआ inside the amoeba और इस vacuole को हम कहते हैं food vacuole, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, food vacuole। तो ये large particle finally engulf हो गया है amoeba के अंदर enter हो गया है in the form of a food vacuole।
अच्छा, अमीबा की बॉडी में क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर हेटरोट्रॉफ है, यानी एनिमल सेल है, तो इसके अंदर जगह जगह छोटे छोटे से और वेसिकल्स हैं विच आर बेसिकली लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स किसी को याद है क्या थे? लाइजोसोम्स, हाँ ये तो सही है कि इट फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। और हम कुछ याद है लाइजोसोम आपके, ये सेल एंड टिश्यू के नए नोट बन गए हैं, एक दो दिन में मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको, पूरा पाई मिल जाएगा। जो न्यू बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें डिटेल टॉपिक्स के साथ है वो तकरीबन वही जो हमने वो स्लाइड्स में पढ़े थे, ठीक है। अगर स्लाइड याद करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी मिलना जरूरी है क्योंकि घर में डांट पिट भी होती है, हर वक्त मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और बहाने करते रहते हैं कि याद कर रहे हैं, तो नोट कीजिए। देखा सबकी मुस्कुराहट बता रही है, सब घरों में यही होता है। एनीवे, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे उसके। तो लाइजोसोम क्या होता है भतीजा? भतीजा कोई भारी चीज हो तो मेरे सर पे मार दो। महक वो अमरता, हाँ बताओ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लाइजोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, और एनिमल सेल में लाइजोसोम एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो याद है गॉल्जी बॉडी से बन रहा था, वो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम्स बनते थे, पूरा लाइजोसोम फिल्ड हुआ हुआ होता है विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पे अब इनका काम शुरू होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है कि ये एंजाइम इस लार्ज पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इससे जाके लग जाते हैं, इसके अंदर पहुंच जाते हैं और वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट या वो फूड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो यूटिलाइज हो जाता है इन अ सेल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी सेल में तो वो आया हुआ था लेकिन अभी तक सेल के काम का नहीं था। इसलिए नहीं था काम का क्योंकि सेल को तो सिंपलेस्ट फूड चाहिए है फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तभी तो ऑक्सीडेशन होगी और तभी तो क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके बगैर तो वो लार्ज पार्टिकल किसी फायदे का नहीं। तो उस लार्ज पार्टिकल्स की डाइजेशन की है लाइजोसोम्स के अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने, एंड आफ्टर डाइजेशन जब डाइजेशन हो जाएगी तो फाइनली क्या रह जाएगा, बेस प्रोडक्ट जो उसी तरह एक्सोसाइटोसिस की तरह रिमूव आउट हो जाएगा बॉडी से, सही है। या फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उस वो लाइक जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब वो पूरा डाइजेस्ट हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, अब वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करेगा। यानी अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट की ज्यादा बाहर कम है तो मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होगी, डिफ्यूजन, और वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सेल। तो क्योंकि ये सेल है नो अदर ऑर्गेन इज प्रेजेंट, तो आइदर ट्रांसपोर्ट इंगल्फिंग से हो जैसे फूड पार्टिकल गया, या बाय डिफ्यूजन रिमूवल हो, लेकिन जैसे सेल में होती है बिल्कुल वैसे ही फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा अमीबा का। हो गई बात सही, ठीक है। तो इट्स अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हमें जो डिस्कस करना है वो है पैरामीशिया। वाटर में मछलियां हैं और ये वो है, इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो मजीद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का फूड है, ठीक है। अमीबा तो फिर भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसको स्टडी किया गया है, जिसके सारे सेल को स्टडी कर लिया गया है, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन कहते हैं, यानी कुछ ग्रीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं या कलर्ड हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और जो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं वो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब जो अमीबा से भी छोटे हैं, सही है। तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। दूसरा हम जो करने जा रहे हैं पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, नॉर्मली उसको कहते हैं स्लिपर शेप, ठीक है, चप्पल की शक्ल का। हंसने की बात नहीं, वाकई चप्पल की शक्ल का होता है, लाइक दिस है, सॉर्ट ऑफ
ठीक है, ऐसा शेप हो हाँ, पैरामिशम तो स्कूल में भी होता है ना, अक्सर स्कूल में होता है. अच्छा एनीवेज थोड़ा सा गंदा बन गया है. अच्छा यहाँ पे इसके एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम ओरल ग्रूव. ठीक है, फूड एंटर होता है थ्रू द ओरल ग्रूव. पूरी बॉडी कवर्ड होती है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया. ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस. लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर पे भी नहीं जा रहे, हम फूड के लिए हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर. फूड एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रू दिस, दिस इज नोन एज ओरल ग्रूव. ठीक है, इसको हम ओरल ग्रूव कहते हैं जिससे फूड एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्यूल, और पूरे पैरामीशियम में ये वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. पैरामीशियम में भी लाइजोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे. जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो द फूड इज अगेन रिमूव, सॉरी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली पैरामीशियम में फूड एंटर होता है थ्रू अ ग्रूव प्रेजेंट नोन एज द ओरल ग्रूव. ठीक है, ओरल का मतलब जैसे माउथ है ना, वैसे एक ओपनिंग है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं, उसके थ्रू फूड एंटर होता है उनका, और जो है वो अगेन वैसे ही प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है. दिस इज हाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है, यूनिसेल्यूलर. पैरामीशियम भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो अ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक नॉन क्लोरोफिलस. देखो दोनों जो है ना वो नॉन क्लोरोफिलस हैं. नॉन क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, और इसीलिए ये क्या कर रहे होते हैं, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक है. ठीक है, क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है फॉर द मेकिंग ऑफ फूड. कितना टाइम है, टाइम बताओ. 58 हो गए. अच्छा चलिए एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो सकता है फिर तो.